क्वेश्चन नंबर 7 में है 1.3 प्लस 3.5 प्लस 5.7 प्लस डॉट 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 2n-1 इंटू 2n+1 2n-1 into 2n+1 is equal to n into n और ब्रैकेट में है 4n² प्लस 6n-1 4n² प्लस 6n-1 अपॉन 3 डिजिट 2 करनी है तो एक एक करके सारे स्टेप देखेंगे. सबसे पहले स्टेप 1 देखेंगे. स्टेप 1 में फॉर n इज इक्वल टू 1 लेकर चलना है. तो स्टेप 1 और n इज इक्वल टू वन में हम कहेंगे कि n इज इक्वल टू वन का मतलब क्या है कि हम सिर्फ एक टर्म की बात कर रहे हैं. ये एक सीरीज का सम दे रखा है. तो n इज इक्वल टू वन का मतलब क्या है कि मैं सिर्फ एक टर्म की बात कर रहा हूँ. एक टर्म का मतलब क्या है कि 1 × 3 सिर्फ पहली टर्म. और n इज इक्वल टू वन LHS इज इक्वल टू 1 × 3 यानी कि 3 हो गया. ठीक है. और RHS में क्या है, ये जो पूरी की पूरी टर्म है, इस पूरी की पूरी टर्म में आप n की जगह 1 डाल दीजिए, क्या हो जाएगा 1 × 4 × 1² प्लस 6 × 1 - 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1. और ये 4 × 1² मतलब ये हो गया 4 प्लस 6 - 1 अपॉन 3. तो 6 + 4 = 10, 10 - 1 = 9, 9 अपॉन 3. तो RHS भी 3 आ गया. LHS और RHS दोनों के दोनों 3 आ गए. Hence the relation is true for n is equal to 1. Hence it is true for n is equal to 1. पहली चीज तो ये हो गई. उसके बाद बात करेंगे हम स्टेप टू की. स्टेप टू की बात करते हैं तो स्टेप टू में क्या है, इसमें कुछ प्रूव नहीं करना होता है, अज्यूम करना होता है. स्टेप सेकंड, लेट द रिलेशन बी ट्रू और n is equal to m, that is, ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन दे रखा है, ये पूरी की पूरी जो इक्वेशन है, इसमें जहां जहां पर n है वहां वहां पर m डाल दीजिए और बोलिए कि वो रिलेशन हमारा ट्रू है. ये हमने अज्यूम कर लिया. जो सेकंड स्टेप होता है उसमें हमें सिर्फ अज्यूम करना होता है, प्रूव नहीं करना होता कुछ भी. तो n is equal to m, इस पूरे के पूरा जो इक्वेशन है इस पूरे में आप m की जगह m डाल दीजिए, ये हो जाएगा, दैट इज 1.3 प्लस 3.5 प्लस 5.7 प्लस डॉट 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 प्लस. अब ये जो है लास्ट वाला टर्म, इसमें n की जगह हम डाल दीजिए, तो 2m-1 इनटू 2m+1 इज इक्वल टू m इनटू 4m² प्लस 6m-1 अपॉन 3. तो ये मान लिया गया कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये वाला एक्सप्रेशन ट्रू है. ठीक, ये स्टेप सेकंड है. अब स्टेप 3, स्टेप 3 में है वी हैव टू प्रूव दैट द रिलेशन is also true for n is equal to m+1. ये भी प्रूव करना है. तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे कि मुझे क्या प्रूव करना है. देखिए सबसे पहले तो यही लिखना है कि मुझे प्रूव करना क्या है, दैट इज
वी हैव टू प्रूव दैट दैट इज वी हैव टू प्रूव दैट 1 × 3 प्लस 3 × 5 प्लस 5 × 7 प्लस डॉट 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 जो लास्ट वाली टर्म है, लास्ट वाली टर्म क्या हो जाएगी, जो m है ना, m की जगह m प्लस 1 आ जाएगा। तो आप बस एक चीज सोचिएगा कि जब ये लास्ट वाली टर्म है 2m-1, ठीक है, m की जगह m प्लस 1 आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा 2 × m+1 -1, ठीक है। और इसको इस तरफ लिख देता हूं, उधर ना स्पेस नहीं है तो दिखाई नहीं देगा। एडिशन यहां पर लिखाऊंगा, इधर m की जगह m प्लस 1, तो 2 × m+1 m+1 -1 मल्टीप्लाई बाई 2 × m+1 +1 2 × m+1 +1, ठीक है। और इज इक्वल टू, अब ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, इस पूरे एक्सप्रेशन में भी m की जगह m+1, तो m+1 यहां पर m की जगह है, और ये जो पूरा ब्रैकेट है इसमें लिखिए 4 × m+1 2 + 6 × m+1 -1 अपॉन 3। बताइए जी, इतना समझ में आ गया? यस, इतना समझ में आ गया कि मुझे ना ये चीज प्रूव करनी है। अब क्या करेंगे, अब हम ना लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, ठीक। तो लेफ्ट हैंड साइड पे देखिएगा क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड 1.3 + 3.5 + 5.7 + ... और जो ये वाला टर्म है, ये n = m+1 वाला टर्म है, तो इससे जस्ट एक टर्म कम वाला, वो कौन सा टर्म होगा, वो यही वाला टर्म तो होगा 2m-1 × 2m+1, समझ रहे हैं, इससे जस्ट एक टर्म कम 2m-1 × 2m+1 2m-1 × 2m+1 और अगला टर्म तो मुझे पता ही है, ये वाला है 2 × m+1 - 1 2 × m+1 + 1, ठीक है, प्लस 2 × m+1 - 1 × 2 × m+1 + 1, ठीक, इज इक्वल टू, ये तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया, इज इक्वल टू 1 × 3 + 3 × 5 + 5 × 7 + ... 2m-1 और 2m+1 + इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2m + 2-1, यानी कि 2m+1 हो जाएगा, समझ रहे हैं, 2 × m फिर 2 × 1 यानी कि 2, तो 2m+1 जब करेंगे तो 2m + 2-1, 2 - 1 क्या हो जाएगा +1, तो ये हो गया 2m+1 और ये हो जाएगा 2m + 2 + 1 यानी कि 2m+3। ये बता दीजिए आप लोगों को समझ में आ गया इतना? Yes. इतना सभी को क्लियर है? अब जरा देखिएगा, यहां से लेकर और यहां तक वाली जो टर्म है, इस पूरी टर्म की जगह मैं ये लिख दूंगा m × 4m² + 6m-1/3, इस पूरे की जगह यहां लिखेंगे m × 4m² + 6m-1/3 + 2m+1 ×
एम प्लस थ्री। अब बेटा कुछ नहीं करना है इसमें, आपको एलसीएम लेना है, एलसीएम लीजिए, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 4m³ + 6m² - m। एलसीएम का मतलब यहाँ 3 है और यहाँ डिनोमिनेटर में है 1, तो ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इधर हो गया मल्टीप्लाई, और इसको एक्सपेंड कर लो दिस इनटू दिस, तो 2m × 2m हो गया 4m², 2m × 3 हो गया 6m, 1 × 2m हो गया 2m, और 1 × 3 हो गया 3, और अपॉन में 3 इज इक्वल टू, अब 4m³ + 6m² - m + 3 × 12m² 3, और ये 6m + 2m ये कितना हो जाएगा 8m, और 8m × 3 कितना हो गया 24m, ठीक है, और 3 × 3 = 9 अपॉन 3, 4m³ + 6m² + 12m² ये हो गया 18m², और 24m - m ये हो गया 23m + 9 अपॉन 3, ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड। ये सभी को समझ में आ गया, यहां तक जो लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व करा ये तो सभी को क्लियर हो गया होगा, यस, ठीक है। इसके बाद मुझे नेक्स्ट क्या करना है देखिएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, अब जो राइट हैंड साइड करना था ये वाला, मतलब मुझे ये पूरा एक्सप्रेशन इस पूरे एक्सप्रेशन के बराबर प्रूव करना था, तो मैं जो राइट हैंड साइड है राइट हैंड साइड को एक्सपेंड कर दूंगा, और आप देखना वो इस LHS जो सॉल्व करके आया है ना इसी के इक्वल आ जाएगा। तो जरा देखते हैं, ये ऐसे हो गया, नाउ RHS RHS will be equal to ये m+1 ब्रैकेट में 4 × ये m+1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा m² + 1² यानी कि 1 + 2m, और 6m + 6 × m+1 ये हो जाएगा 6m + 6 और -1 अपॉन 3, तो m+1 ब्रैकेट में 4m² 4 × 1 = 4, 4 × 2m = 8m, 6m, और 6 - 1 + 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू m+1, और ये 4m² और 8m + 6m कितना हो गया 14m, और 4 + 5 हो गया 9 अपॉन 3, नेक्स्ट इधर कर रहा हूं, नेक्स्ट देखिएगा यहां पर ये m+1 × this इसको मैं एक्सपेंड करूंगा, तो एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा m × 4m² ये हो जाएगा 4m³, m × 14m ये हो जाएगा 14m², m × 9 ये हो जाएगा 9m, फिर 1 में ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4m² + 14m + 9 अपॉन 3, 4m³ और 14m² + 4m² ये कितना हो गया 18m², और 9m + 14m कितना हो गया 23m + 9 अपॉन 3, तो LHS इज इक्वल टू RHS, यही चीज प्रूव करनी थी, बताइए समझ में आ गया, Yes. सभी को क्लियर है। अच्छा अभी अश्विनी तुम्हारा क्या है क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर फाइव देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर फाइव भी ऐसे ही है, सीरीज वाला है क्वेश्चन, ये भी हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं। हाँ जी, सभी बच्चों को क्लियर है? आर्यन त्यागी, अर्श, अनुराग, ऐश्वर्या, क्लियर है बेटा जो बताया अभी क्वेश्चन नंबर सेवन? यस सर, कर लिया था। यस, प्रियांशी, प्रियांशु, समक्ष, दृष्टि, एकांश? यस सर, क्लियर है। यस सर, क्लियर है। चलिए जी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फाइव एक बार देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर फाइव में क्या है? देखिए जी, ये भी सीरीज वाला ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फाइव। इसमें क्या प्रूव करना है क्वेश्चन नंबर फाइव में? 1 into 3 प्लस 2 into 3 का स्क्वायर प्लस 3 into 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 एन इंटू थ्री की पावर एन। वन इंटू थ्री प्लस 2 into 3 का स्क्वायर प्लस 3 into 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 n multiply by 3 की पावर n, n multiply by 3 की पावर n is equal to 2n minus 1 into 3 की पावर n plus 1, 2n minus 1 into 3 की पावर n plus 1 plus 3 अपॉन 4। ठीक है, ये पूरा का पूरा प्रूव करना है। तो सबसे पहले ये आरएचएस आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना, 2n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर n प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 4। तो ये चीज प्रूव करनी है। इसको प्रूव करने के लिए फिर से वही स्टेप 1, स्टेप 1 हमारा n इज इक्वल टू 1 के लिए फर्स्ट में देखिए, और n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 के लिए जब देखेंगे तो LHS n इज इक्वल टू 1 के लिए सिर्फ ये पहली ही टर्म हो जाएगी 1 इंटू 3 यानी कि 3, और RHS ये पूरा टर्म, यहां पर इस पूरे टर्म में n की जगह आप 1 डाल दीजिए, ये हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 1 multiply by 3 की पावर 1 प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 4। तो 2 इंटू 1 कितना हो गया? 2 इंटू 1 हो गया 2, और 2 माइनस 1 हो गया 1, 1 इंटू 3 की पावर 1 प्लस 1 मतलब 3 की पावर 2 प्लस 3 अपॉन 4, 3 की पावर 2 9 प्लस 3 अपॉन 4 मतलब 12 अपॉन 4, 4 3 जा 12। तो LHS is equal to RHS. So the relation is true for n is equal to 1. n is equal to 1 के लिए हमारा जो relation है ये true हो गया। तो पहला step तो हो गया clear। उसके बाद step second। Let the relation be true for n is equal to m। हमने माना है कि जो relation है ये n is equal to m के लिए true है, ठीक है? That is हम इस एक्सप्रेशन को, ये जो गिवन एक्सप्रेशन है, पूरे को लिख देंगे, बस n की जगह m डाल देंगे और बोल देंगे कि ये ट्रू है, ये रिलेशन ट्रू है।
तो क्या लिखेंगे, 1 into 3 प्लस 2 into 3 का स्क्वायर प्लस 3 into 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 n मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर n, n मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर n इज इक्वल टू राइट हैंड साइड n नहीं सॉरी m, m के लिए कर रहे हैं, तो m मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर m राइट हैंड साइड में क्या हो गया, 2m माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर m प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 4। स्टेप सेकंड क्लियर है, इसमें तो सिर्फ एज्यूम करना होता है, कुछ प्रूव ही नहीं करना होता, ये तो समझ में आ ही गया होगा। क्यों असनी क्लियर है? ओके उसके बाद राइट हैंड साइड लेकर चलेंगे स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में क्या है, नाउ we have to prove that the relation is also true for n is equal to m plus 1, that is we have to prove that अब क्या प्रूव करना है, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इस पूरे एक्सप्रेशन में n की जगह m प्लस 1 डाल दीजिए, 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 m प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर m प्लस 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में देखिए 2n माइनस 1 है, तो n की जगह में डाल दूंगा m प्लस 1, तो 2 इंटू m प्लस 1 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर m प्लस 1 प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 4। ठीक है, मुझे ये चीज प्रूव करनी है, मैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलूंगा। देखिए लेफ्ट हैंड साइड 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, और इसमें हम क्या करेंगे, जैसे ये टर्म है m प्लस 1 इंटू 3 की पावर m प्लस 1, तो इससे जस्ट एक टर्म पहले जो लाई करता है, इससे जस्ट एक टर्म पहला टर्म क्या हो जाएगा, m प्लस 1 नहीं वो m वाला टर्म आ जाएगा, यानी कि इससे जस्ट एक टर्म पहले वाला टर्म हो गया m इंटू 3 की पावर m प्लस m प्लस 1 इंटू 3 की पावर m प्लस 1। ठीक है, अब देखिए यहां से लेकर और यहां तक m इंटू 3 की पावर m तक, यहां से लेकर यहां तक m इंटू 3 की पावर m तक पूरा का पूरा ये रिलेशन है, ये मैंने स्टेप टू में एज्यूम कर लिया था, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 2m माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर m प्लस 1, किसी भी बच्चे को ना समझ में आए प्लीज बीच में पूछ लेना, प्लस 3 अपॉन 4 प्लस अगला टर्म ये है m प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर m प्लस 1, फिर आप ले लीजिए एलसीएम, ठीक है, ये हो जाएगा 2m माइनस 1, और यहां ना रीजन और लिख देना इधर
फ्रॉम स्टेप सेकंड, मैंने स्टेप सेकंड वाली जो वैल्यू थी वो यूज करी है यहाँ पर। प्रियांशु क्लियर है, अभी तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नो सर। ठीक है, 2m-1 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर m+1 प्लस 3, फिर 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 4 into m+1 और 3 की पावर m+1 अपॉन 4। फिर अभी मैं क्या करूंगा इसमें, यहाँ देखो 3 की पावर m+1 वाला एक टर्म है और 3 की पावर m+1 वाला एक टर्म है। मैंने क्या करा कि 3 की पावर m+1 ले लिया कॉमन, 3 की पावर m+1 ये कॉमन ले लिया, तो यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा 2m-1 और इधर ब्रैकेट में क्या बचेगा 4 into m+1 यानी कि 4m+4 प्लस 4m+4। ठीक है, और ये प्लस 3 था, इस प्लस 3 को अलग कर दीजिए, अलग लिख लिया इसको अपॉन 4, ये हो गया। नेक्स्ट आप देखिएगा यहां पर 3 की पावर m+1 तो ले लिया था कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा 2m+4m क्या हो जाएगा 6m और -1+4 ये हो जाएगा प्लस का 3 और प्लस 3 अपॉन 4 इतना हो गया। नेक्स्ट देखिए 3 की पावर m+1 है, ये 6m+3 है, तो यहां से भी 3 कॉमन आ जाएगा, 3 की पावर m+1 तो है ही और मल्टीप्लाइड बाय ये 6m+3 है, यहां से 3 कॉमन ले लिया तो ये आ गया ब्रैकेट के बाहर बचा 3, तो यहां ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 2m+1 क्योंकि 3 मैंने कॉमन ले लिया और प्लस 3 अपॉन 4। अब आप खुद बताइए कि यहाँ पर ये जो 3 कॉमन लिया है तो एक तरह से ये 3 की पावर 1 हो गया, ये 3 की पावर m प्लस 1 है, ये 3 की पावर 1 है, तो जब बेस सेम होते हैं तो पावर सेटअप हो जाती है, तो 3 की पावर m प्लस 1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2m प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 4 यानी कि 3 की पावर m प्लस 2 और ब्रैकेट में 2m+1 प्लस 3 अपॉन 4, ये पूरा का पूरा LHS सॉल्व हो गया। अब इसके बाद RHS की बात करेंगे। RHS देखिए, RHS क्या था यहाँ पर 2 into m+1 -1 का ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर m+1 +1 प्लस 3 अपॉन 4, तो ये हो गया 2 into m+1 माइनस वन और ब्रैकेट के बाद 3 की पावर m+1 +1 प्लस 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू, इस ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2m+2 -1 और 3 की पावर m+2 प्लस 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू 2m और 2 - 1 कितना हो गया प्लस का 1, तो 2m+1 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर m+2 प्लस 3 अपॉन 4। और यहां तक होते ही मैंने ये देखा कि मेरा जो LHS है और RHS है दोनों इक्वल है, LHS इज इक्वल टू RHS और यही हमें प्रूव करना है। बताइए सबको समझ में आ गया? ठीक है अश्मी, और बता दीजिए किसी बच्चे को कोई डाउट हो। इससे बाद आप लोग क्या करिए, आप आ जाइए पेज नंबर 92 पर, एग्जांपल नंबर 6, पेज नंबर 92 एग्जांपल नंबर 6 ये करना है।
लक्ष्य क्लियर है जो बताया अभी तक? यस सर। ठीक है, अब आप आइए पेज नंबर 92। पेज नंबर 92 एग्जांपल 6। इसमें है प्रूव दैट 2 × 7 की पावर n + 3 × 5 की पावर n। Prove that 2 × 7 की पावर n, 2 × 7 की पावर n प्लस 3 × 5 की पावर n -5 is divisible by 24 for all small n belonging to natural number. इसको किस तरीके से करेंगे? क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया? ये डिविजिबिलिटी वाला क्वेश्चन है। डिविजिबिलिटी वाला क्वेश्चन जैसे हम मान लिया करते थे, लास्ट टाइम भी हमने करा था, एक क्वेश्चन था डिविजिबल बाय 6 वाला, तो उस तरीके से करना है इस क्वेश्चन को। एक मिनट बेटा वेट करिए, बस मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, एक मिनट वेट करिए। देखिए इसमें डिविजिबल बाई 24 ये मुझे प्रूव करना है, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले n इज इक्वल टू 1 के लिए देखेंगे। स्टेप 1, और n इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू 1 इसके लिए देखेंगे। मेरी वीडियो प्रॉपर दिखाई दे रही है सभी को? नो सर। आज शुरू से ही गड़बड़ चल रही है ना? यस। हाँ, लेकिन आप लोग तो बोलना तो होता ही नहीं, आप लोग बताते ही नहीं कुछ। जैसे वो हर बार ठीक हो जाता था, ठीक हो ही नहीं रहा। हाँ हाँ, वही मैं देख रहा हूँ आज, मुझे भी, मैं भी इधर साइड में देखता रहता हूँ ना, तो ठीक से दिखाई दे ही नहीं रहा, तो अटके जा रहा हूँ। अभी जो अभी स्क्रीन पर क्या दिखाई दे रहा है आपको? स्टेप 1 फॉर n इज इक्वल टू 1 ठीक है, मेरी आवाज तो प्रॉपर सुनाई दे रही है ना आपको? यस सर। तो ये जो स्टेप 1 फॉर n इज इक्वल टू 1 है ना, ये मैं एक मिनट पहले लिख चुका हूँ, वीडियो इतनी स्लो चल रही है कि अब दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, अब तो बंदी हो गया। चलिए एक बार फिर से ट्राई करते हैं, देखते हैं, फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए देखते हैं इसी एक्सप्रेशन को। ये है 2 × 7 की पावर 1 + 3 × 5 की पावर 1 -5, तो 2 × 7 = 14, 3 × 5 = 15 - 5, 14 + 15 = 29 - 5 = 24 ब्रैकेट में लिखेंगे, विच इज डिविजिबल
24 is divisible by 24. ये 24 तो 24 से divisible होगा ही होगा, ठीक है। अब इसके बाद मैं कहूँगा सब सेकंड गेट करना चाहिए, सब सेकंड है। Let us assume that the relation is true for n is equal to m. ये मान लिया कि ये relation n is equal to m के लिए true है। चलो, that is 2 multiplied by 7 की पावर m plus 3 multiplied by 5 की पावर m minus 5, ये divisible by 24 है ना, तो is equal to 24k, ये लेगा because it is divisible by 24, is equal to 24k। अच्छा, ये करने के बाद अब स्टेप थ्री, वैसे वीडियो गायब हो गया, चलिए आ रहा तो है करके देखते हैं, स्टेप थ्री देखते हैं। स्टेप थ्री में है कि नाउ वी हैव टू प्रूव दैट the relation is also true for n is equal to m plus 1, ये n is equal to m plus 1 के लिए भी relation true है। अरे आप लोगों का समर ब्रेक चल रहा है क्या? मेरी आवाज सुनाई दे रही है सभी को? Yes, sir. समर ब्रेक चल रहा है क्या? समर ब्रेक खत्म हो गया मंडे को, कब मंडे को खत्म हो जाएगा? हाँ सर, मंडे को खत्म। एजुकेशन क्लास किस टाइम तक होती है स्कूल की क्लास? सर डिपेंड करती है, अभी हमारा पता नहीं, एक नया ऑनलाइन क्लास ऑफलाइन क्लास का सिस्टम शुरू किया है, कुछ क्लासेस ऑनलाइन होती है कुछ क्लासेस ऑफलाइन होती है। एक मिनट, ऑफलाइन क्लासेस कौन सी हो रही है? सर कुछ नहीं है सर, ये मॉड्यूल्स भेज देते हैं या कोई असाइनमेंट भेज देते हैं जो हमें खुद करके रखना होता है और फिर सबमिट के लिए फोटोग्राफ भेजनी होती है। अच्छा, उनको ऑफलाइन बोल रहे हैं वो? हाँ जी। नहीं ऑफलाइन तो खैर वो फिजिकल होती है। चलिए खैर जो भी है, मैं ये कह रहा हूँ कि कल का बताइए, कल मॉर्निंग में फ्री है आप लोग या दोपहर में फ्री हो जाएंगे, 1 बजे 2 बजे के करीब? हाँ सर 1 बजे 2 बजे करीब तो फ्री हूँ। सर 1 बजे नहीं, 2 बजे। दो बजे बताओ मन्नत, क्योंकि ये ना बड़ी प्रॉब्लम कर रहा है, अटके ही जा रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि अभी की क्लास छोड़कर कल ले लेते हैं आगे क्लास। तो मेरी इको की क्लास होती है 1:30 से। 1:30 से होती है। ऐश्वर्या स्कूल से किस टाइम फ्री हो जाओगे? सर एक मिनट बता रही हूँ, कल का टाइम टेबल देखना पड़ेगा उसके लिए। प्रियांशी तुम बताओ, और अश्मी, दृष्टि, अर्श, एकांश, लक्ष्य, सब बताइए, किसी को सुबह 11 बजे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? सर मेरी क्लास होती है 11:20। 11 बजे प्रॉब्लम है? 12 बजे प्रॉब्लम है? 12 बजे बताओ। हां 12 बजे बिल्कुल ठीक है, 12 बजे की क्लास है। 11 या 12 बिल्कुल सही है। 12 बजे रख लूं कल क्लास? सर क्लास है सर, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर लेना। हां कह रहा हूँ नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर लूंगा।
चलिए ठीक है फिर छोड़ो फिर। ठीक है यही करने की कोशिश करो अगर समझ में आता है। एनएस इक्वल टू एन प्लस वन के लिए इसको ट्रू प्रूव करना है। इसका मतलब क्या है? टू मल्टीप्लाइड बाई सेवन की पावर एम प्लस वन प्लस थ्री मल्टीप्लाइड बाई फाइव की पावर एम प्लस वन माइनस फाइव, ये है ठीक है। अब यहां पर हम क्या करेंगे कि जैसे 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 की पावर m प्लस 1 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर m प्लस 1 कितना है ठीक है। और यहां से मैं एक काम कर सकता हूं, वो आप लोगों वाला तरीका जो आप लोग कल बता रहे थे कि इसमें से कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी जाए। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं माइनस 5 देखूं यहां से जो स्टेप सेकंड में मैंने लिया, तो यहां से माइनस फाइव किसके इक्वल हो जाएगा? 24 के माइनस 2 इंटू 7 की पावर m माइनस 3 इंटू 5 की पावर m, ये हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं माइनस 5 की जगह ये पूरी की पूरी वैल्यू रख देते हैं। तो माइनस 5 की जगह वैल्यू क्या आ गई? 24 के माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 की पावर m और माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर m, ये हो गया ठीक है। अब जरा देखिएगा कि इसमें ये हमारे पास है 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 की पावर m इंटू 7 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर m इंटू 5 प्लस 24 के माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 की पावर m माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर m, ये हो गया। अब मैं इसमें क्या कर सकता हूं कि 2 7 हो गया 14 मल्टीप्लाइड बाई 7 की पावर m, फिर 7 की पावर m वाला दूसरा टर्म ले आओ, वो क्या होगा? माइनस 2 इंटू 7 की पावर m प्लस 3 5s ऑफ 15 इंटू 5 की पावर m माइनस 3 इंटू 5 की पावर m प्लस 24 के, ये हो गया। अब 7 की पावर m 7 की पावर m दोनों में कॉमन है, 14 माइनस 2 कितना हो गया? 12 मल्टीप्लाइड बाई 7 की पावर m प्लस 15 इंटू 5 की पावर m माइनस 3 इंटू 5 की पावर m, ये कितना हो गया? 12 इंटू 5 की पावर m और प्लस 24 के, बताइए जी इतना समझ में आ गया? इतना सभी को क्लियर है? यस सर। अब मुझे क्या करना है, मुझे तो ये प्रूव करना है कि ये वाला जो रिलेशन है ये पूरा का पूरा रिलेशन भी 24 से डिविजिबल होगा। 24 से डिविजिबल का मतलब क्या है कि मुझे यहाँ पर ये प्रूव करना है कि ये पूरा का पूरा जो रिलेशन है ये इसमें 24 कॉमन आना चाहिए, लेकिन 24 तो नहीं आ रहा है कॉमन, 12 आ रहा है कॉमन ठीक है, 12 आ रहा है कॉमन। तो इस पर फिर किस तरीके से करेंगे? बताइए कोई तरीका है? टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे
सर लास्ट में आ रहा है 724 m plus 6 into 5 के minus 5 नीचे वो प्रूफ कर देंगे कि 5 की पावर k माइनस 5 4 का मल्टीपल है. अच्छा तो ये कैसे करोगे 5 की पावर k माइनस 5 ये 4 का मल्टीपल है. n की डिफरेंट वैल्यूज ले लेंगे तो हर वैल्यू हर एक वैल्यू जो है वो 4 का मल्टीपल आएगा. हाँ तो फिर हम 4 किसी 4 इनटू कोई भी वो ले लेंगे वेरिएबल फिर 6 इनटू 4 24 हो जाएगा. तो वो बता दूंगा जो उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में दे रखा है. हाँ वही वाला बता रहे ना. हाँ तो ये वाला जो तरीका है ऐसा सॉल्यूशन में दे रखा है इससे कहूँ क्या. सर वैसे वो सॉल्यूशन में उन्होंने दिखा नहीं रखा मतलब प्रूव नहीं कर रखा कि वो मल्टीपल है बस उन्होंने एक स्टेटमेंट लिख के छोड़ा. हाँ ये उन्होंने क्या करा है उनको अभी बताता हूँ. एक मिनट रुकिए. ये है जैसे हमारे पास 2 × 7 की पावर n प्लस 1 प्लस 3 × 5 की पावर n प्लस 1 माइनस 5 ये है ना. तो इन्होंने इसमें से 2 की पावर ये अलग कर दिया. यार ये आपके वाला मेथड मेरे को समझ नहीं आया. मैं अपने ही मेथड से करता हूँ. मैं इसको ओरिजिनल मेथड से ही करता हूँ. जो मेरे को जो मेरा वाला मेथड है उसी से करता हूँ. जैसे ये है 2 × 7 की पावर n प्लस 1 है ना. तो सिर्फ एक काम करेंगे इसको स्प्लिट कर देंगे फिर इट अगेटिव डी होगा. एक काम कर रहे हैं भाई नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसको कंटिन्यू. मेरी आवाज सभी को आ रही है. यस सर. मैं कह रहा हूँ नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. आज तो इसे नेटवर्क नहीं परेशान कर रखा बहुत ज्यादा. ओके सर. ओके सर. तो वाला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे आपका मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लेंगे नेक्स्ट टाइम. ओके सर. ठीक है. ओके सर. ओके. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay.